नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी दल अब एक्टिव हो गए हैं और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और यही वजह है कि मायावती ने अपनी बयानबाजी शुरू कर दी है। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार बयान दे रहे हैं। ताज़ा बयान उनका आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी से जो जनता है यूपी की वो नाराज़ है, योगी सरकार से जनता नाराज़ है और बीजेपी के हटते ही उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ये बयान उस वक्त आया है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। तमाम पार्टी दम दिखा रही है, जमीनी स्तर पर जाकर लोगों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा वादे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे और वादे चुनाव जीतने के बाद कितने खोखले साबित होते हैं ये हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान आना, अखिलेश यादव का कहना कि बीजेपी के हटते ही यूपी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए और उसके बाद आपकी राय इस पूरी खबर पर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये सब किसान हैं और भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने आय दोगुनी करने का वादा किया था, आज किसान की किस फसल की आय दोगुनी हो गई? आज नौजवान के सामने नौकरी रोजगार नहीं है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई दोगुनी हो गई, कानून व्यवस्था चौपट है। उत्तर प्रदेश को विकास की गति में जाना था, विकास रुक गया है, इसलिए ये जनता मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, किस तरह से ठीक होगा? उत्तर प्रदेश तब ठीक हो जाएगा जब ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हट जाएगी। तब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के हटने के बाद सब चीजों में सुधार आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट नाराज है, केंद्र सरकार से कह रहा है हमारे फैसले का सम्मान नहीं कर रहे हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट का और किसी भी न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं और समय समय पर कोर्ट भी निर्देश देते हैं सरकार को। मुझे उम्मीद है कि सरकार उन निर्देशों का पालन करेगी। क्या जाएगा काशी का मुद्दा लेके आ रही है, काशी को लेकर क्या कौन सा मुद्दा है ये? काशी में भी सब कुछ ठीक करके उसका एक मैसेज आएगा सरकार को लेकर। देखिए, सरकार का समय खत्म हो गया, जनता इंतजार कर रही है कब वोट डालें और कब इन्हें हटाएं।